कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरी दुनिया डरी हुई है, साथ ही इंडिया में भी कोरोना तबाही मचा रहा है, जिससे हर तरफ खौफ का माहौल बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से भी अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। देश में हर रोज तेजी से बढ़ते कोरोना के एक्टिव मामलों के आंकड़े काफी डराने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कोरोना के अटैक से खुद को बचा सकते हैं और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा आक्रामकता के साथ लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचने के लिए कुछ लोग पेनकिलर्स, एंटीबायोटिक्स जैसी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस तरह बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लेने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आपको बता दें कि अभी तक कोविड-19 का कोई इलाज मौजूद नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो जिस इलाज की सलाह डॉक्टर मरीजों को दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी तक स्थिति को कंट्रोल में रखने और लक्षणों को रोकने के लिए है। कोरोना के हल्के लक्षण दिखने पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने से भी जोखिम को कम किया जा सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कोरोना महामारी के दौरान बॉडी को फिट रखने के लिए स्वस्थ भोजन की आदतें होना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको ज्यादा कैलोरी वाले भोजन की जगह पर फाइबर से भरपूर भोजन और फाइबर वाले फल और जूस लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सेल्फ आइसोलेशन में डॉक्टर की सलाह पर मरीज बुखार या सिर दर्द से राहत पाने के लिए पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर डॉक्टर्स कॉम्बिफ्लेम और फ्लेक्सोन जैसी दवाओं की सिफारिश करते हैं, जो पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन का ही एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपको कोरोना में खांसी हो जाती है तो आप इससे राहत पाने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर खांसी की दवा कफ सिरप ले सकते हैं। इसके अलावा गले में खराश से राहत पाने के लिए आप शहद और नींबू ले सकते हैं, साथ ही हल्के गर्म पानी से गरारे भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स की माने तो एंटीबायोटिक दवाओं से कोरोना का इलाज करना सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर नहीं है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉशेस भी हाथ या सरफेस पर जमे वायरस को नष्ट करने में कारगर नहीं है। इसकी जगह 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर्स का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही कुछ लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बिना डॉक्टर्स की सलाह के आयुर्वेदिक या पारंपरिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो अभी तक नहीं है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से जूझ रहे व्यक्ति को पानी पीते रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। इसलिए बॉडी में पानी की कमी न होने दें और ऐसे फलों का सेवन करें जिनमें पानी और फाइबर की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक सैचुरेटेड फैट और अधिक शुगर युक्त भोजन खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाने की चीजों में बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपके शरीर का वजन आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं, एक तरह से इसे आप शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात कह सकते हैं। बताया जाता है एक सामान्य शरीर की BMI 22.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पिछले साल भी कोरोना महामारी से मरने वाले कई मरीजों में BMI लेवल बहुत हाई था। बताते चले कि इस वक्त देश में वैक्सीनेशन का काम भी काफी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन आपको टीका लगने के बाद भी मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ सैनिटाइजर यूज करते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है और हाँ, अपने हाथ भी धुलते रहना है, क्योंकि बचाव ही बेहतर उपाय है। बता दें कि दूसरी लहर में देश में पिछले 24 घंटे में कुल 3,15,478 नए मामले सामने आए हैं। इस बार आई कोरोना मरीजों की संख्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को 3,07,581 केस सामने आए थे।